नमस्कार दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं और करीब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार हैं। कुछ जेनेटिक कारणों से होते हैं और ज्यादातर गलत खान पान की आदतों के कारण मोटापे के शिकार हो जाते हैं और प्रयास करने के बाद भी, चाहत रखने के बाद भी मोटापा कम नहीं कर पाते। ऐसे में इन्हें जरूरत होती है एक प्रोफेशनल डाइटिशियन की, जो इन्हें बता सके कि सही खान पान क्या होना चाहिए ताकि मोटापे को कम किया जा सके, जिससे कि मोटापे के कारण होने वाली बहुत सी बीमारियों से बचा जा सके। ये वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 10वीं के बाद जो बच्चे मेडिकल ऑप्ट करते हैं उनमें ज्यादातर का सपना होता है सरकारी कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाए ताकि वो MBBS डॉक्टर बन जाएं। लेकिन जितने बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं उसकी तुलना में सरकारी कॉलेज की सीट बहुत कम है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार 16 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था और MBBS की सरकारी सीटें हैं 40,000 से कुछ ज्यादा। ऐसे में बाकी बच्चे क्या करें? यदि आप में वास्तव में मेडिकल की फील्ड में कुछ अच्छा करने की चाहत है, टैलेंट है, जुनून है, तो आपके लिए और बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं और इनमें एक बेहतरीन विकल्प है डाइटिशियन का। डाइटेटिक्स बनकर आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक लड़की का वेट काफी ज्यादा था, उसे ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने एक दिन तय किया कि अपना वेट कम करेगी और 4-5 महीने में ही उसने 10 किलो वेट कम कर लिया। फिर उसे हौसला हुआ कि यदि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हूँ। उसने अपना एक चैनल बनाया और लोगों को सलाह देने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही महीनों में उसका काम चल निकला और अब वो लाखों रुपए महीने के कमा रही है, सिर्फ लोगों को ये सलाह देकर कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लोगों का वेट कम करवाती है। यदि कोई बिना डिग्री के भी लाखों रुपए कमा सकता है इस फील्ड से, तो यदि एक प्रॉपर डाइटिशियन की डिग्री कर लें आप और आप नॉलेज के साथ अपना करियर शुरू करें, लोगों का वेट कम करवाएं, उन्हें सही खान पान की सलाह दें, सही न्यूट्रिशन की सलाह दें, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा करियर हो सकता है। क्योंकि जैसा हमने बताया, 14 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं, कितनी संभावनाएं हैं। अब सवाल यह है कि आप डाइटिशियन कैसे बन सकते हैं, कहां से डिग्री होती है और इसमें करियर की शुरुआत करने के लिए क्या जरूरी होता है। डाइटिशियन में BSc या कोई डिप्लोमा करने के लिए +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है। यदि आप +2 पास हैं, आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं, तो फिर आप BSc में एडमिशन ले सकते हैं या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि डाइटिशियन में BSc किस किस स्ट्रीम में होती है। अलग अलग कॉलेजेस में डाइटिशियन के अलग अलग कोर्सेज हैं। BSc इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, BSc इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, BSc अप्लाइड न्यूट्रिशन, BSc इन डाइटेटिक्स, BSc होम साइंस। इसके अलावा डाइटिशियन की फील्ड में स्पेशलाइज्ड कोर्स भी होते हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंस इन स्पोर्ट्स, फूड एलर्जी कोर्स, डाइटिशियन इन पीडियाट्रिक्स, डाइटिशियन इन रेनल, डाइटिशियन इन ऑन्कोलॉजिकल एंड डाइटिशियन इन गैरोनाटोलॉजिकल न्यूट्रिशन। तो ये कुछ BSc डिग्री और स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं। तो इस तरह 3 साल की डिग्री लेने के बाद आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं। डाइटिशियन की डिग्री लेने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप आप किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फूड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं। इसके बाद आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है क्लाइंट जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन यदि वास्तव में आपको सही नॉलेज है और आप में जुनून है कुछ करने का, तो थोड़े समय बाद ही लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आपको एक रोल मॉडल की तरह उनके साथ काम करना पड़ता है और धीरे धीरे आप रिनाउंड डाइटिशियन बन जाते हैं और आपको अच्छी खासी आमदनी होने के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन ये होती है कि बहुत से लोगों को आपने मोटापा कम किया, उन्हें बीमारियों से बचा रहे हैं और इस तरह सेवा के साथ साथ अपना अच्छा करियर बना रहे हैं। अब देखते हैं दूसरी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपके लिए करियर के बेहतर ऑप्शन है। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, होटल्स और क्रूज लाइन में भी रहती है। इसके अलावा हर राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट में डाइटिशियन के लिए पोस्ट निकलती है। फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में भी डाइटिशियन की काफी मांग रहती है। अगर हम जॉब को कैटेगराइज करें तो क्लिनिकल डाइटिशियन, कम्युनिटी डाइटिशियन, मैनेजमेंट डाइटिशियन, कंसल्टेंट फूड एंड सर्विस, गैरोनाटोलॉजिकल डाइटिशियन, पीडियाट्रिक्स डाइटिशियन। तो इस तरह से सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में डाइटिशियन की जरूरत रहती है। अपना काम शुरू कर सकते हैं, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से ऑप्शंस रहते हैं। तो इस तरह डाइटिशियन के लिए करियर के काफी ऑप्शन हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि डाइटिशियन का कोर्स या डिग्री कहाँ से करें। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस डाइटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं। जो कोर्सेज हमने बताए हैं इसके बारे में नेट पे सर्च करेंगे तो आपको कॉलेजेस की जानकारी मिल जाएगी। वहां पर एडमिशन लेकर
अच्छी पढ़ाई करके आप एक अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं और लोगों की सेवा करते हुए एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा और क्षेत्रों के भी हम वीडियो डालेंगे ताकि पढ़ाई के साथ साथ अच्छे करियर के ऑप्शन के बारे में बच्चों को पता चल सके, क्योंकि कई बार सही जानकारी न होने के कारण बच्चे सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं और उन्हें निराशा होती है। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि पढ़ाई के साथ साथ सही करियर के चुनाव में भी बच्चों को जानकारी मिले। डाइटिशियन हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है इसे ऐसे समझिए, यदि कोई मोटापे का शिकार है और अपना मोटापा कम करना चाहता है, कोशिश करने के बाद भी कम नहीं कर पा रहा है, ऐसे में सही डाइटिशियन आपका मोटापा कम करवा सकता है, क्योंकि डाइटिशियन ये जानता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, कितनी डाइट लेनी चाहिए, आप क्या खाएं जिससे कि आपके न्यूट्रिशन भी पूरे हों और आपका वेट भी कम हो। और यदि कोई वेट बढ़ाना चाहता है, मेरे जैसा कोई है, उसका भी डाइटिशियन वेट बढ़ा सकता है। हालांकि वेट बढ़ाने की इच्छा बहुत कम रहती है आजकल, वेट घटाने की ज़्यादा रहती है, ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में डाइटिशियन को दोनों जानकारी होती है कि वो वेट घटाने में भी हेल्प करता है और वेट को मेंटेन करने में भी, क्योंकि बॉडी को कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, बाकी किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, ये सारी पढ़ाई डाइटिशियन को करवाई जाती है। और यदि वो सही नॉलेज लेकर ये पढ़ाई करता है और अच्छी प्रैक्टिस करता है तो वास्तव में मोटापे के कारण जो बीमारियों के शिकार होते हैं उनकी बड़ी हेल्प हो सकती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।